नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच हिंदी विषय हिंदी विषय के प्रथम सत्र में बीजी कविता तो नन्ना मुन्ना राही तो आपने वीडियो शुरू कर दिया तो उसे पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, दूसरे मित्रों को सब्सक्राइब करो। जेबी आपना नवा वीडियो ने नोटिफिकेशन तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है। चलो अगले हफ्ते बात करेंगे कि तीसरी कविता चंद्रना मुन्ना रहे जेना कवि छे सके बधाई। अरे आप कितनी अंदर से क्या मानते हैं कि इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता कि छोटा बाल सैनिक है वो देश को आगे विकास की गति की ओर ले जाने की बात करता कि देश को आगे ही आगे बढ़ाने की बात कर रहा। उसी इच्छा है कि आगे बढ़ते हो चाहे इतनी बाधाओं का सामना करना पड़े फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहे। इस कार्य में हमें यह कहा गया है कि विकास की गति के ओर जाते हुए विकास को दोहराते हुए कई बाधाएं कई मुश्किलियां कोई कठिनाइयां पेशर भी आवे तो उनका सामना करने की क्षमता वो बाहर से नहीं करता। किसी भी तरह से अपने देश को आगे ले जाने की उनकी तमन्ना मंजिल उनके जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने से पहले चाहे कितनी भी बाधाओं आ जाए उनका सामना करने के लिए बाल सैनिक अपनी निष्ठा से सेवा बजा रहा। देश में रहने वाले लोगों से रहे एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें ऐसी बच्चे की भावना कि हमारा देश बहुत बड़ा है। देश के आंतरिक व्यवस्था को भी बाहरी सरहद पर हमारे देश के नौजवान देश की निगरानी कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ऐसे वीर जवानों के मेरा सुना आंतरिक व्यवस्था की अच्छाई के लिए और देश में रहने वाले लोगों अपने साथ भाईचारा मित्रता व्यक्तित्व की भावना रखे ऐसी कवि की यहाँ इच्छा दर्शाई गई। तो हम अब कविता को दोहराएंगे और कविता के हम समझ देंगे। तो अब अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 कविता का नाम नन्ना मुन्ना राही और कविता की कविता का नाम है सबके बधाई। चलो नन्ना मुन्ना राही तू देश का सिपाही बोलो मेरी सब जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ पे कहा गया है कि बालक एक छोटा सा सैनिक है देश का वीर सिपाही है और उनके साथ सब लोग बोले कि भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एक छोटा सा बालक वो अपनी इच्छा ऐसी रखता है कि मैं देश का सिपाही बनूंगा।
सिपाही बनकर मैं देश की रखवाली करूंगा। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक कहता है कि मैं देश की रखवाली, देश की सेवा करूंगा। तो आप हे मेरे भारतवासी, हे मेरे हिंदुस्तानी, आप मेरे साथ बोले कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Thank you.
खेतर में एक सुखाई देश मेहनत करी अथवा वस्तु मेहनत करी अंदर हरियाली लीलोतरी छवाई दी देश के बारे में खेतर में अंदर लीली वनस्पति उगाड़ी है कि जमीन के खेतर में छे कि मेरी इच्छा वावड़ी करी के बनेगी देश धरती में पापी न लेंगे पाए के खत्म के पाए धरती पर हम पापियों ने रेवा देश के दृश्य राजा इत्याचार अन्य देश में विकास के अंदर अदा आवना के लोगों छे कि लोगों ने हूँ आ धरती पर रेवा देश नहीं कहे कि पापी से धरती में पापी न पाएंगे कदम धरती पर हम पापियों लोगों ने रेवा देश नहीं भले मरे गमे एटला वक्त जन्म लेवा पड़े गमे एटली मारी मुश्किली आवे पण हूँ मारी आदत देश की विकास की दिशा की अंदर हूँ आगळ ने आगळ चालतो रहूं कि भाई तेना माटे आगे ही आगे बढ़ा बढ़ा कदम टाइने पाए टाइने पाए हम नन्ना मुन्ना रायो देश का भाई कि भाई आगळ ने आगळ हूँ चलो जस देश ना विकास ने दिशा की अंदर आप सर्वे लोग मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आगे कहा गया है बड़ा होकर मैं देश का सहारा बनूंगा दुनिया की आंखों का मैं तारा बनूंगा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दाहिने पाए दाहिने पाए कम नन्ना मुन्ना राय देश का सफाई बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा कि बाल सैनिक कहे छे कि जारे हूँ मोटो थश त्यारे हूँ देश माटे एक सहारो मोटो थई देश नो एक सहारो बनीश एने मदद करता बनीश एवं बाळक की इच्छा बताई छे कि दुनिया की आंखों पर मैं तारा बनूंगा पर तेरी हूँ मदद करीश दुनिया की आंखों का तारा लेकिन आंखों का तारा आंखों का तारा किसे कहा जाता है कि जो बहुत प्यारा होता है मतलब ये होता है बहुत जी सूर्य गाथा से सूर्य प्रकाश से ये चाहते रहे
जो चंद्र भारत देश में ना भारत देश की शान मान मर्यादा को हमेशा प्रति देश नहीं इतना माने कैसे कि हूँ अपना देश को झंडो अपना देश को तिरंगो हमेशा ऊंचो राखी आगे आगे बढ़ावा कदम कि भाई तेरा माटे देश को नाम रोशन थाय देश को भविष्य उज्जवल थाय देश को नाम उज्जवल करे एवं हूँ कार्य भारत देश को करे आई रीते हूँ भारत देश माटे आगळ ने आगळ विकास करवा माटे हूँ आगळ वधतो रही सामने की नजरी है मेरा ये वतन सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं हम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कि भारत देश एक शांति प्रिय देश आपको भारत देश एक शांति प्रिय नगर शांति प्रिय देश है तो अंग्रेजों शांति की नगरी यह मेरा वतन के वतन यानी के कि भाई बात आगे दुनिया में शांति को नगर को प्रतीक शांति को प्रतीक जो ग्रहण को हो तो ये देश मारो भारत देश छे सबको सिखाऊंगा भी प्यार का चलन चलन यानी के व्यवहार एक नानो बालक जे बालक से
દેહી બની અને બાળ મુસાફર થઈ અને દેશની વિકાસની દેશની ભલાઈની અને દેશ માટે બલિદાન આપવા માટે દેશની અંદર ભાઈચારાની ભાવના દેશની અંદર બહુ ન કરવા જેવી ભાવના દેશમાં શાંતિ જળવાઈ રહે અને મહેનત કરી દેશની અંદર પ્રસંગો મારે એટલે હરિયાળા કરવાની ભાવના આ ભારત દેશની અંદર બાળ મુસાફર બાળ સૈનિક એક પોતાની આત્મભાવના દર્શાવી છે અને કહે છે કે હે મારા ભારતવાસી જો મારી એક ભાવના છે તો તમે પણ મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ.